आज शाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ को 10 रोज रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस की हिरासत में एहतसाब अदालत रवाना किया गया। शहबाज शरीफ को बख्तर बंद गाड़ी की बजाय लैंड क्रूजर में एहतसाब अदालत ले जाया गया। अदालत में नैब के वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ की तरफ से तफ्तीशी टीम से तावन नहीं किया गया, अभी इंक्वायरी जारी है, मजीद रिमांड दिया जाए। शहबाज शरीफ ने खुद दलाल देते हुए कहा कि 3 रोज तक मेरे पास तफ्तीश के लिए कोई अफसर नहीं आया। शहबाज शरीफ के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और कहा सियासी बुनियादों पर मुलव्वस किया जा रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर का मौकफ था कि आशियाना केस में और लोगों को भी तलब किया गया है। शहबाज शरीफ से कानून के दायरे में रहते हुए तफ्तीश कर रहे हैं। नैब अदालत के जज ने शहबाज शरीफ के 14 रोज रिमांड की मंजूरी दे दी, जिसमें 2 दिन का राहदारी रिमांड भी शामिल है। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हिना सदफ, 25 न्यूज, लाहौर।